छात्र संगठन, महिला संगठन, तमाम तरह के सामाजिक संगठन और इंडिविजुअल सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। बनारस की BHU की जो महिला छात्राएं हैं उनके आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, साझेदारी दिखाने के लिए, क्योंकि वो जो मांग रही हैं वो हमारे देश के कैंपसों, सभी कैंपसों की लड़कियां, उनकी छात्राएं मांग रही हैं और प्रशासन को और सरकारों को सुनना चाहिए उनको। वो मांग रही हैं कि हमें, हमारी सुरक्षा के नाम पे आप हमारे हॉस्टल्स में डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स करते हो, उसको हटा दो। बल्कि हमारे साथ जब सचमुच में मोलेस्टेशन होती है खुलेआम सड़क पर, उस समय आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हो, आप कह देते हो कि तुम क्यों बाहर निकली थी शाम में, अगर शाम से पहले ही अंदर हो जाओ हॉस्टल में तो सुरक्षित रहोगे। BHU के वाइस चांसलर का एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बयान आया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप सुरक्षा चाह रहे हैं और आज़ादी भी चाह रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन महिलाओं को अपनी बेखौफ आज़ादी चाहिए। BHU में लंबे समय से सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दलित्स के इश्यूज आ रहे थे, तो स्पेस नहीं मिल रहा था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, छोटे छोटे समूहों में बात हो रही थी। अब एक तरीके से जो सारा, यू नो दैट पॉट विच इज बॉइलिंग, क्योंकि सुनवाई ही नहीं है, जवाबदेही तो दूर, सुनवाई तो हो पहले। BHU में जब छात्रों को रस्टिकेट किया गया था, क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा लाइब्रेरी मांग रहे थे। उस समय वहां के वाइस चांसलर का नाम सुन लीजिए, GC त्रिपाठी, वो बहुत गर्व से कहते हैं हाँ मैं RSS का आदमी हूँ और यूनिवर्सिटी में अगर कुछ चलेगा सिर्फ RSS का शाखा चलेगा और कुछ नहीं। लड़कियां क्या कोई चीज है जिनको किसी भी तरह जब भी चाहे तब दबा दिया, जब भी चाहे बोल दिया, कुछ भी कर दिया? वहाँ पे छः बजा था, लड़कियों को ऑर्डर है कि भाई तुम 8 बजे तक हॉस्टल में आ सकती हो, फिर भी वो 6 बजे बाहर थी और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई जो आज सबको पता है कि उसके साथ कितनी बुरी घटना हुई है। और उनका लेटर है, कितनी हज़ारों लेटर्स VC को जा चुके हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड को जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब वो एक्शन लिया नहीं गया। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो JNU का GS कैश था वो एक एग्जेम्पलरी था। हम समझते थे कि JNU में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कमेटी बनी है वो पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे है, मगर आज ये देखते हैं कि उसी JNU में, उसी कमेटी में जिस तरह का एक तरह से हस्तक्षेप हो रहा है फंडामेंटलिस्ट और राइट विंग फोर्सेस का, उससे उसकी पूरी स्पिरिट ख़त्म होती चली जा रही है। सो बेसिकली यू नो इट्स द एक्सटेंशन ऑफ द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इन द सोसाइटी, जहाँ पे आप देखते हैं कि पितृसत्ता जैसे काम करती है कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिक चीज़ें असाइंड हैं, आप अगर उससे बाहर अपना दायरा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप इमोरल महिला हो जाती हैं, आप कैरेक्टरलेस महिला हो जाती हैं, जिसका एक्चुअली कोई अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो हम लोगों को, महिलाओं को इस देश में दिया ही नहीं जाता है। आइदर वी आर ट्रीटेड एज गॉड्स, जहाँ पे नवरात्र में आज हमारी पूजा हो रही है, लेकिन वहीं पे BHU में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है जिसको जस्टिस तक नहीं दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए इनकी भारत माता कौन है, जब यहाँ आज हम, आप, हमारी, आपकी घर में रहने वाली माएँ बहनें, हम, आप कहीं आज सुरक्षित नहीं है, फिर इनकी भारत माता ये किसकी बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में, किसकी बात करते हैं ये सेल्फी विद डॉटर और तमाम ऐसे नारे देते हुए। वी आर इन ऑलवेज इन रिलेशन विद द मेन, either I'll be a daughter, either I'll be a wife, either I'll be a mother, either I'll be a sister, but I would never be an individual woman who can actually has her own mind. ye chiraag jaise lamhe kahin raiga na jaye, koi khwab dekh dalo, koi inqilab lao।